क्लास 8th वाले स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके एग्जाम्स रिलेटेड समास प्रकरण में आपको बता रहा हूँ। इसमें आपको समास कंप्लीट करने हैं, प्लस आपको एग्जाम्पल में बताऊँगा, तो एग्जाम्पल आप अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम में जो उदाहरण है, जो एग्ज़ाम्पल है, वो एग्ज़ाम्पल बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं समास प्रकरण, और आप बिल्कुल ईमानदारी से, अच्छे से, ध्यान से आप याद करेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। समझना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखिए, परिभाषा इस प्रकार से आपको याद रखना है, दो या दो से अधिक शब्दों की विभक्ति हटाकर उन्हें एक साथ जोड़कर एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। एक बात आपको याद रखना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है राजा का पुत्र, ठीक है, तो ये एक शब्द है, एक शब्द ये है और एक शब्द ये है, लेकिन इनका जब हम संक्षेपीकरण कर देंगे तो क्या हो जाएगा, राज्ञा पुत्रः, राज्ञा पुत्रः, इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये जो शब्द बना हुआ है, ये है संक्षेपीकरण। क्या है ये? संक्षेपीकरण है, और संक्षेपीकरण किसका हुआ है? इन तीन शब्दों का हुआ है, ठीक है, मतलब दो से ज़्यादा शब्द हैं। तो दो या दो से अधिक जो शब्द हैं उनके योग को हम समास कहते हैं, और विभक्ति हटाकर उन्हें हम एक साथ जोड़ देते हैं। तो जो समास है उसके भेद आप समझेंगे। समास के 6 भेद होते हैं। परीक्षा में आपको याद रखना है, समास कति भेदा संति, इस प्रकार प्रश्न आए तो आप बताएंगे 6 भेदा संति, मतलब 6 भेद हैं, ठीक। तो सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूँ तत्पुरुष समास, जहाँ पूर्व पद द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक होता है और उत्तर पद प्रथमा विभक्ति में होता है, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। जैसे ग्राम गतः, तो ग्राम गतः का समास वगैरह आप इस प्रकार करेंगे, ग्रामम गतः, ये तत्पुरुष समास है। राज पुरुषः, तो राज्ञः राज्ञः पुरुषः, इस प्रकार से आप इसमें समास वगैरह करेंगे, जो कि आपका तत्पुरुष समास है। तो एक बात इसमें आपको गौर करना है कि पूर्व पद की जो विभक्ति है उसका यहाँ पर लोप हो जाता है, याद रखेंगे अच्छे से। अब देखिए द्विगु समास, जहाँ पहला पद संख्यावाची हो, जैसे पंच, ये पंच क्या है? संख्यावाची है, ठीक है, वटी, पंचवटी। अब ये पंचवटी जो उदाहरण है, ये पंचवटी उदाहरण है आपका द्विगु समास का। ये पहला पद संख्यावाची है और पूरा पद किसका बोध करा रहा है? समूह का बोध करा रहा है, मतलब समूह का हमें पता चल रहा है। तो यहाँ आपको एक बात समझनी है कि जहाँ पर पहला पद संख्यावाची हो तथा दूसरे पद की विशेषता बताता हो, वहाँ पर द्विगु समास होता है। जैसे पंचवटी नवरात्रि, पंचवटी का समास विग्रह किस प्रकार से करेंगे? तो आप इस प्रकार से करेंगे, पंचानाम वटानाम समाहारः, समाहारः, इस प्रकार से। और नवरात्रि में नवानाम रात्रीणाम समाहारः, इस प्रकार से। अब इसके बाद में नेक्स्ट आप समास देखेंगे, वो है आपका कर्मधारय समास, जहाँ पहला पद विशेषण या उपमान तथा दूसरा पद विशेष या उपमेय हो, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। जैसे घनश्याम घन इव श्याम, नीलोत्पलम नीलम उत्पलम। अब देखिए इसको समझेंगे कैसे आप, जो कर्मधारय समास होता है उसमें पहला पद, मतलब कि जो आपका प्रथम पद होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पूर्व पद भी कहते हैं, ठीक। पूर्व पद क्या होता है? विशेषण होता है, विशेषण होता है। विशेषण क्या है? तो याद रखना, विशेषता बताता है, विशेषता बताता है, ठीक। और इसके बाद में आपको इसमें यहाँ पर समझना है, दूसरा पद जो होता है विशेष्य होता है, विशेष्य होता है। दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है, मतलब जिसके द्वारा विशेषता, मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है, ऐसे। अब देखिएगा द्वंद्व समास, ठीक, कि कर्मधारय समास में घनश्याम नीलोत्पल, घन इव श्यामः नीलोत्पलम नीलम उत्पलम, इस प्रकार से विग्रह बनेगा दोनों का। अब द्वंद देखिएगा, जहाँ सभी पद प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद समास होता है, मतलब कि मुख्य रूप से याद रखना, दोनों पद प्रधान हो, सभी पद प्रधान हो, वहाँ द्वंद है। और इसमें विपरीत का भी बोध कराया जाता है कहीं कहीं जगह पर, ठीक है, तो वो भी आपको समझना है। देखिए यहाँ पर द्वंद समास, पितरौ यहाँ पर लिखा है, पितरौ, तो इसका समास विग्रह कैसे करेंगे? माता चा पिता चा, इस प्रकार से इसका आप समास विग्रह करेंगे। परिभाषा आप याद रखना, दोनों पद प्रधान होते हैं, राम लक्ष्मण हो तो रामाश्च लक्ष्मणश्च, इस प्रकार से। अब अगला समास है आपका बहुव्रीहि समास, जहाँ सामासिक पदों में से किसी अन्य का बोध हो। अन्य का बोध मतलब देखिए, अगर यहाँ पर मैंने लिखा है आपके लिए दशानन, ठीक है, दशानन शब्द लिखा है। अब देखो अन्य का बोध किस प्रकार से होता है, जब हम इसका विग्रह करते हैं तो ऐसे बनता है, दश आननानी
यश सहा, यश सहा, 10 आननानी यश सहा, तो अर्थात रावण। ठीक है, तो ये रावण जो लिखा हुआ है ये तीसरा पद है, मतलब कि अन्य पद है, अन्य पद प्रधान है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, पीतंबर पीतंबर पीतम अंबरम यश सहा। ठीक है, और इसी प्रकार से चंद्रशेखर, जो भगवान शिव जी के लिए चंद्रशेखर का यूज किया जाता है। ठीक है, और पीताम्बर भगवान विष्णु के लिए, भगवान कृष्ण के लिए, तो ये तीसरा पद इसमें प्रधान होगा। तो जहाँ पर तीसरा पद प्रधान हो वहाँ पर आपको बहुव्रीहि समास याद रखना है। अव्ययी भाव समास, अब अव्यय आप समझेंगे तब आपको अव्ययी भाव समास जो है वो समझ में आएगा। देखिए कैसे, अव्यय शब्द ऐसे होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का क्या उत्पन्न नहीं होता है, विकार उत्पन्न नहीं होता है, मतलब कि चेंजेस नहीं आता है, परिवर्तन उनमें नहीं होता है। अब परिवर्तन नहीं होगा तो वो अव्यय शब्द है। अव्यय भाव समास में याद रखना, जहाँ प्रथम पद प्रधान होता है और अव्यय भी होता है। ठीक है, प्रथम पद कैसा होता है, प्रधान होता है और अव्यय भी होता है, जैसे यथाशक्ति, तो इसमें इस प्रकार से बनेगा, शक्तिम अनतिक्रम्य, अनति क्रम्य, शक्तिम अनतिक्रम्य, ये समास वगैरह बनेगा। यथा जो आपको यहाँ पर दिया है, यथा कि यथा शब्द क्या है, तो आपको याद रखना है अव्यय है, यथा शब्द अव्यय है, इसीलिए यहाँ पर ये अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिनम, तो प्रतिदिनम में जो प्रति शब्द है ये अव्यय शब्द है, तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे अव्यय भाव समास को, जहाँ पर पहला पद प्रधान हो और अव्यय भी होता हो। ठीक है, वहाँ पर अव्यय भाव समास होता है। अब आपको देखना है कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण तत्पुरुष समास के। राजपुरुषः राज्ञः पुरुषः, भय प्राप्तः भयं प्राप्तः, बाणहता बाणेन हतः, सभापति सभायाः पति, राजकुलम राज्ञाकुलम, लोकहितम लोकस्य हितम, ये तत्पुरुष समास हुआ। इसके बाद में तत्पुरुष समास के बाद में कुछ अव्यय भाव समास के उदाहरण आप समझेंगे। यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम, यथाविधि विधिम अनतिक्रम, उपगंगम गंगाया समीपम, प्रतिदिनम दिनम दिनम, ये अव्यय भाव समास है। इसके बाद दिगु समास पर देखेंगे, त्रिणाम भुवनाम समाहार त्रिभुवनम, नवानाम रात्रिणाम समाहार नवरात्रम, त्रयाणाम पथनाम समाहार त्रिपथम, चतुर्णाम युगानाम समाहार चतुर्युगम, पंचनाम वटनाम पंचवटी, मतलब दिगु समास, और शताब्दी शतानाम अब्दनाम समाहारः। इसके बाद में कर्मधारय समास देखेंगे आप अच्छे से। देखिए, नीलम उत्पलम, तो नीलोत्पलम कर्मधारय समास, घनश्याम घन इव श्यामः कर्मधारय समास, कृष्ण सर्पः कृष्णः चा असो सर्पः कर्मधारय समास, महापुरुषः महान चा असो पुरुषः कर्मधारय समास, श्वेत कृष्णः श्वेतः कृष्णः, इसमें भी कर्मधारय समास है। अब आप देखेंगे द्वंद्व समास, पितरौ माता च पिता च, कौरव पांडवः, तो कौरवः च पांडवः च, इसमें भी द्विगु समास है। भ्रातृ भगिन्यो भ्रातः च भगिनी च, इसमें भी द्वंद्व समास है। राम लक्ष्मणो रामश्च लक्ष्मणश्च, दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास है। हरि हरौ हरिश्च हरश्च, इसमें भी दोनों पद प्रधान है, इसमें भी द्वंद्व समास है। अब देखिए यहाँ से लेकर के तो यहाँ तक ये कौन सा समास रहेगा, अव्यय मतलब बहुव्रीहि समास रहेगा। दशाननः 10 आननानि यशसः अर्थात रावण, चंद्रशेखरः चंद्रः शेखरे यशसः अर्थात भगवान शिव, पीताम्बरः पीतम अम्बरम यशसः अर्थात भगवान विष्णु, लंबोदरः अर्थात लंबः उदरः यशसः, इसमें आपको गणेश जी याद रखना है। तो इस प्रकार से आपको समास वगैरह कंप्लीट याद रखना है और इन उदाहरणों को आप अच्छे से समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू।